2024 के चुनाव में कितनी कारगर होगी जातीय जनगणना, इसे जादुई मुद्दा मानना साबित हो सकती है विपक्षी गठबंधन की बड़ी चूक। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 17वें आम चुनाव के मुहाने पर खड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इन दिनों सियासत की नई पटकथा लिखी जा रही है, जिसकी शुरुआत कभी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले बिहार ने की है। यह पटकथा है जातीय जनगणना की, जिसकी रिपोर्ट जारी कर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने एक हलचल पैदा कर दी है। बिहार के बाद अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में जातीय जनगणना कराने का आदेश जारी किया है, तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता मिलने पर जातीय जनगणना कराने का वादा किया है। इस तरह विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस ने जातीय जनगणना के मुद्दे को 2024 के आम चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है। उसके साथ जदयू और राजद जैसी जातीय राजनीति करने वाली पार्टियां भी हैं, लेकिन भारत के चुनावी परिदृश्य के गहन विश्लेषण से यह बात साफ हो जाती है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की रणनीति के सामने जातीय जनगणना का फॉर्मूला ही काफ़ी नहीं होगा। देश में चुनावी मुद्दों का इतिहास बताता है कि इस तरह के मुद्दों का असर बिहार और यूपी के साथ हिंदी पट्टी के राज्यों को छोड़कर बाकी प्रदेशों में नहीं के बराबर होता है, तो फिर जातीय जनगणना के मुद्दे को इतने जोर शोर से क्यों उठा रहा है विपक्ष, और कैसे इस एक मुद्दे पर विपक्ष की राजनीतिक नैया पार नहीं होगी, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। आम चुनावों की तैयारियों में लगे देश की सियासत में इन दिनों जातीय जनगणना का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठ रहा है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर विपक्ष यह मानकर चल रहा है कि आगामी चुनाव में यह मुद्दा उसके तर्कश में एक प्रभावी तीर होगा, लेकिन यह उसकी चूक साबित हो सकती है। वास्तव में पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले चाहे बिखरे हुए हों या एकजुट हों या मोर्चा बंद हों या पूरे जोश में हों, वे उन्हें अगले साल तब तक नहीं मात दे सकते जब तक कि उनके पास वह जादुई आइडिया नहीं होगा। विपक्षी गठबंधन अगर यह सोचता है कि पूरे देश में बिहार जैसी जातीय जनगणना कराना ही वह जादुई आइडिया है, तो उसे पश्चिम बंगाल के बारे में दिवंगत गोपाल कृष्ण गोखले के उस बयान को याद करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार आज जो सोचता है वह बीते हुए कल से एक दिन पहले ही बंगाल सोचा करता था। बिहार में सामाजिक न्याय के आंदोलन ने 1990 में ही राजनीतिक सत्ता को पिछड़े तबकों के कदमों पर लाकर रख दिया था। उसके बाद से उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया और व्यापक आर्थिक विकास, अवसरों को बढ़ाने और लोगों का जीवन स्तर सुधारने जैसे अगले कदम उठाने की कोशिश तक नहीं की। शासन का यह बिहार मॉडल पूरे देश के लिए बहुत निराशाजनक साबित हुआ। हालांकि बिहार में वह खूब फला फूला, लेकिन आज तमाम पिछड़ी ताकतें भाजपा के खिलाफ एकजुट क्यों ना हो जाएं, वे केवल बिहार और हिंदी पट्टी के कुछ एक राज्यों में ही मोदी के नेतृत्व में भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जातीय जनगणना की रणनीति से मोदी को हराने के लिए विपक्ष को पूरे देश को बिहार के रंग में रंगने की कोशिश बेकार साबित हो सकती है। यह रणनीति केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ हद तक हरियाणा और उत्तराखंड में असरदार हो सकता है। बाकी राज्यों में जातीय जनगणना का शायद ही कोई राजनीतिक असर हो। इनमें से किसी राज्य में जातियों के समीकरण और पारंपरिक निष्ठाओं का राजनीतिक या सामाजिक असर नहीं है। इसलिए विपक्ष को यह समझना होगा कि जातीय जनगणना इन राज्यों की सीमाओं से बाहर नहीं फैल सकती। विपक्षी गठबंधन की तरफ से जातीय जनगणना को पहले ही सामाजिक क्रांति घोषित किया जा चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांशीराम के इस नारे का समर्थन कर दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन यह देखना दिलचस्प है कि इस तरह की सियासत का चुनाव में क्या असर होता है। साल 2019 में मोदी शाह की भाजपा ने 2024 लोकसभा सीटों पर 50% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे, यानी उसे बहुमत पाने के लिए मात्र
49 सीटें और चाहिए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस लहर का रुख मोड़ना कितना मुश्किल है। इन 224 सीटों में से कितनी किस राज्य की है, इस पर नज़र दौड़ाने से यह मुश्किल और बड़ी नज़र आती है। भाजपा को उत्तर प्रदेश की कुल सीटों में से आधी पर 50% से ज़्यादा वोट मिले थे। यह राज्य जातीय समीकरण, अवसरों की उपलब्धता, मुस्लिम आबादी के प्रतिशत आदि के मामले में बिहार जैसा ही है, यानी 80 में से 40 सीटें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक ऐसे बड़े राज्य हैं जिन पर मोदी ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। उनमें भी उन्हें 2019 के क्रमशः 23, 25, 26, 22 सीटें मिली थीं। इन सबको मिलाकर 188 में से 136 यानी आधी से ज़्यादा सीटें होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जातीय जनगणना ऐसा फॉर्मूला हो सकता है जिसके कारण लाखों मतदाता मोदी से मुंह मोड़ लेंगे। ऐसे में साफ हो जाता है कि मोदी इन राज्यों में सीटों और वोट प्रतिशत के हिसाब से इतनी भारी जीत हासिल करते हैं कि उन्हें मात देना असंभव हो जाता है। यह लगभग स्टीव वॉक के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलिया की उस अजय टीम जैसी होती है जो पहली पारी में ही इतने रन इतनी तेजी से बना लेती है कि मैच का फैसला लगभग पहले ही हो जाता था। जातीय जनगणना के मुद्दे के बेअसर रहने का प्रमुख कारण यह है कि 1989 के बाद ही कांग्रेस पार्टी के विपरीत मोदी इतने नादान नहीं हैं कि वह पिछड़ा कार्ड खेलने के लिए खुद को ओबीसी के रूप में पेश करेंगे, इसलिए उन्होंने करीब ही सबसे बड़ी जाति की बात कही है। विपक्षी गठबंधन को यह समझना होगा कि पिछड़ी जातियों और मुस्लिम के मेल वाली राजनीति तभी तक कारगर होती है जब तक 30% के आसपास वोट लेकर चुनाव जीतता हो, जैसा कि हिंदी पट्टी में कभी हुआ करता था। आज जब दूसरा पक्ष 50% से ऊपर वोट के साथ शुरू कर रहा हो तब पहाड़ ज़्यादा ही ऊंचा हो जाता है, तब उसे लांघने के लिए ज़्यादा ताकत, ज़्यादा मजबूत कील, कांटे, रस्सी आदि चाहिए। तब जातीय जनगणना और कांशीराम के बेमानी हो चुके युद्ध घोष जैसे औजारों से काम नहीं चलेगा। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।